हेलो नमस्कार। हम आज बात करेंगे जो एक केस जो ग्रुप में डाला गया था उसी के संदर्भ में हम लोग आज बात करेंगे, जो कि पेशेंट को 3 साल से कंटिन्यू मुंह में छाले पड़ जाते थे और पेट में गैस बनता था और पेट में हल्का दर्द कभी कभी होता रहता था और कभी कभी मुंह में छाले भी पड़ जाते थे, जिसके वजह से वो खाना नहीं खा पा रहा। तो बीच बीच में उन्होंने अपना एलोपैथी ट्रीटमेंट में कोई डॉक्टर से नहीं दिखा के ऐसे अपने मन से मेथिन ले लेते थे, 2-4 टैबलेट खा लेते थे, फिर कंट्रोल हो जाता था, फिर अपने काम में लग जाते थे। तो हम पूछे कि आपको जैसे 3 साल में और कौन कौन सा ट्रीटमेंट दिया है, तो थोड़ा हमको डिटेल में बताइए। तो उन्होंने बताया कि नहीं डॉक्टर साहब, हम कहीं भी अभी तक दिखाए नहीं हैं और कोई मतलब परमानेंट इसका कोई ट्रीटमेंट हम नहीं दिए। वैसे कभी ज़्यादा तकलीफ हो जाता है तो हम ले लेते हैं 2-4 टैबलेट तो आराम मिल जाता है। और इसके साथ साथ एस्परमेटोरिया का भी परेशानी चल रहा है मुझे लगभग 3-4 साल से। तो कभी कभी ड्यूरिंग डेफिकेशन जब जोर लगाते हैं तो वहां से एस्परमेटोरिया का शिकायत हो जाता है कभी कभी, और मुंह में छाला पड़ना तो मतलब काफी दिनों से चल रहा है। तो बंदा इतना दिन से मुंह में छाला पड़ना, एस्परमेटोरिया का प्रॉब्लम होना, पेट में गैस कंटिन्यू बने रहना, कब्जियत रहना, पैखाना साफ नहीं होना, इस तरह का कंप्लेन लेके 3 साल से झेल रहा है बंदा, अभी तक किसी से दिखाया नहीं। तो मेरा क्वेश्चन यही था कि 3 साल में अभी नहीं दिखाए हैं अभी तक किसी से, तो फिर मुझे दिखाने के लिए मतलब क्यों आज ऐसा, मतलब आपको क्या दिक्कत हो गया जो कि दिखाने का जरूरत पड़ गया। तो उन्होंने बताया कि नहीं हम ड्यूटी में बाहर रहते हैं, तो अभी हम घर आए हैं छुट्टी लेके 1 महीना के लिए, तो हम सोचे कि आपसे दिखा लें। अभी छुट्टी चल रहा है मेरा, अभी लगभग 1 महीना रहना है मुझे, तो हम सोचे कि दिखा लें। वैसे खाना जब भी खाने बैठते हैं तो जितना मुझे खाना चाहिए उतना हम खा नहीं पाते। जैसे खाना शुरू करेंगे तो फिर मुंह में जलन सी उत्पन्न हो जाती है और लगने लगता है, मतलब बहुत लगता है, उसके वजह से हम छोड़ देते हैं। तो मुझे ऐसा दवा दीजिए ताकि हम भर पेट खाना खा सकें। तो मैं पूछा कि और कोई इसमें आपको कोई मतलब चिंता या डर कुछ चलता हो तो बताइए। तो उन्होंने बताया कि नहीं चिंता डर नहीं, 3-4 बार रात में हम पेशाब करें। तो कोई बता दिया मुझे कि 3-4 बार पेशाब करने से तो शुगर का परेशानी हो जाता है, तो हम जाके उसको चेकअप कराए। तो उसमें चेकअप में कुछ मतलब शुगर का परेशानी नहीं निकला, तो फिर जाके प्राइवेट में भी हम एक बार चेकअप करवा दिए, तो वहाँ भी कोई दिक्कत नहीं। लेकिन लोग कहता है कि ज़्यादा पेशाब होने से शुगर का परेशानी हो जाता है, तो ये थोड़ा सा मुझे डर लगता है कि कहीं शुगर आगे चल के ना हो जाए, इतना ही बात उन्होंने बताया। तो अब इसमें हमको समझने वाला जो बात है कि पेशेंट कंटिन्यू 3 साल में एक बार भी किसी डॉक्टर से नहीं दिखाए और दुकान से टैबलेट लेके और वो अपना काम चला ले रहा है। उसके बाद जब छुट्टी हुआ तो घर में आया तो मेरे पास आया। तो सबसे बड़ा रूबरी अगर इसमें देखा जाए तो वो तो रूबरी क्रिपोलस लग रहा है, और अभी भी पेशेंट वेल्थ में है, बोल रहा है कि जो भी काम हम कर लेते हैं अभी कितना भी काम है आसानी से कर लेते हैं, कोई मुझे दिक्कत नहीं होता। तो वेल्थ का पार्ट अपना बता रहा है। तो फिर वेल्थ में पेशेंट है तो फिर आपके पास आएगा क्यों?
तो खास करके सल्फर का पेशेंट जब तक वेल्थ में रहता है तो हम लोग के पास नहीं आता है। उसको अब वेल्थ में कोई दिक्कत होगा तो आएगा, तो आते हुए वेल्थ के बारे में कुछ ना कुछ जरूर इंफॉर्मेशन देगा। तो बोला कि नहीं, काम हम पहले जितना करते थे उतना आज भी कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है डर से। तो हम बोले कि दिक्कत क्या है, तो दिक्कत इसमें मेन दिक्कत चल रहा है कि जब भी हम खाना खाते हैं तो इसमें दर्द सा उत्पन्न होता है, तो उसके वजह से हम खा नहीं पाते हैं, छोड़ देते हैं, आधा पेट खा करके छोड़ देते हैं। तो वहां इसको अब लगा कि इंजूरी चल रहा है, डिल्यूजन इंजूरी बीइंग इंजर्ड इज, जो कि 3 साल पहले से खाना खाते आ रहा है, अभी बीच में ये खाना, इसका खाना जो है कम हो गया, तो इंजूरी चलने लगा। अब इस इंजूरी के लिए और कंटिन्यू मतलब कुछ दिन से हम जितना खाना चाहिए उतना हम खा नहीं पा रहे, तो डिल्यूजन पर्सिक्यूटेड ही पर्सिक्यूटेड, अब पर्सिक्यूटेड हो गया और इंजूरी चल ही रहा है उसके साथ, और बीच बीच में कभी कभी टेबलेट ले लेता है, तो जैसे इसका कंप्लेन कुछ कम हो गया तो टेबलेट फिर छोड़ दे, फिर कंप्लेन जब स्टार्ट होगा थोड़ा लगेगा इसको तो फिर टेबलेट ले लेता है, 2 4 10 टेबलेट लेके ठीक हो गया तो फिर छोड़ दिया। तो स्रीकिंग अल्टरनेटिंग इनडिफरेंस, यहाँ श्रीक करता कि अरे फिर समस्या उत्पन्न होने लगा, तो जाके फिर मेडिसिन ले लिया और फिर इनडिफरेंस में चला गया, कोई उसको दिक्कत नहीं है। तो इस तरह से सल्फर श्रीकिंग अल्टरनेटिंग विथ इनडिफरेंस में आपके पास आते रहता है। बहुत दिन से परेशानी है, इसके लिए हम 2 4 टेबलेट गैस का खा लिए हैं, 2 4 टेबलेट ले लेते हैं ठीक हो जाता है, स्किन प्रॉब्लम 2 4 टेबलेट, एक सिट्रीजिन ले लेते हैं 10 दिन बिल्कुल ठीक रहते हैं, फिर लगता है कि नहीं अब फिर होने वाला है या परेशानी बढ़ने वाला है, तो सिर्फ कर गया कोई टेबलेट ले लिया, फिर 10 दिन 15 दिन बिल्कुल ठीक है। तो स्ट्रीकिंग अल्टरनेटिंग विथ इनडिफरेंस, यहाँ कुछ लोग क्वेश्चन किए थे कि स्ट्रीकिंग अल्टरनेटिंग विथ इनडिफरेंस और स्ट्रीकिंग अल्टरनेटिंग विथ अनकॉन्सियसनेस में डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे, तो उसमें अनकॉन्सियसनेस वाला जो रूब्रिक है उसमें बेलाडोना होगा, सल्फर नहीं होगा। देखिए स्ट्रीकिंग अल्टरनेटिंग विथ अनकॉन्सियसनेस, वो अपना जब भी प्रॉब्लम फेज होगा मेडिसिन लेके और उसको भूल जाता है कि मुझे ये खुजली का भी परेशानी या मुंह में छाले का परेशानी भी है, अनकॉन्सियसनेस स्टेज में चला गया, उसको याद ही नहीं है कि मुझे हो जाता है बार बार, तो इसके वजह से बेलाडोना फिर बोला कि वो अपने दिमाग से उतार दिया कि हाँ मेरे मेरा कोई दिक्कत मुझे अब नहीं है बिल्कुल ठीक हो। लेकिन सल्फर वाला केस में इन स्ट्रीकिंग अल्टरनेटिंग विथ इन डिफरेंस में उसको पता है कि मुंह में छाला बार बार होता है, फिर भी इन डिफरेंस उसको कोई मतलब अंतर नहीं पड़ता। तो स्ट्रीकिंग अल्टरनेटिंग विथ इन डिफरेंस हो गया सल्फर, और स्ट्रीकिंग अल्टरनेटिंग विथ अनकॉन्सियसनेस हो गया बेलाडोना, या उसमें और 3 4 मेडिसिन हो गया। तो वहां से हम समझ सकते हैं कि पेशेंट फ्री बोलस की वजह से बेलाडोना का वो अनकॉन्सियसनेस में चले जाते, उसका सब कॉन्सियस माइंड उस पर नहीं रहता कि मुझे इस तरह का परेशानी होता है बार, इसलिए वो मैथमेटिक्स इनेबिलिटी में है, वो समझता नहीं है, समझ नहीं पाता, अपने आप को समझा नहीं पाता, उसको याद ही नहीं रहता है कि मुझे इस तरह का परेशानी होता है। तो अनकॉन्सियसनेस ये क्लियर हो गया आई होप। अब आगे बढ़ते हैं इसी केस में कि आपके पास आया तो 3 साल तक कोई मेडिसिन कोई डॉक्टर से नहीं दिखाया था पेशेंट, अभी हम पूछे कि अभी आपको कैसे आना, तो पेशेंट बता रहा है कि नहीं अभी छुट्टी पर, हम 1 महीने के लिए छुट्टी पे आए हैं घर में, तो सोचे कि हम आपसे दिखा लें,
तो यहाँ सल्फर में एक बहुत अच्छा रूब्रिक दिया गया है, एस्केप अटेम्प्ट टू नाइट। नाइट का मतलब अब आप समझ रहे हैं, जो दिन में हम लोग काम करते हैं, रात में आराम करते हैं, तो काम वाला स्टेज उसका खत्म हो गया। अभी अभी 1 महीना के लिए वो घर आया है, तो ये उसका नाइट का पार्ट हो गया। या नाइट का मतलब डे टाइम में बहुत आदमी का शेड्यूल बिजी होता है, और नाइट में कोई भी आदमी आराम करता है, तो उसी पीरियड में चाहता है बार्गेन करके कि मेरा काम न छूटे और इलाज भी हो जाए, तो बार्गेन भी कर लिया उसी में कि हम जब छुट्टी पर जाएंगे तो इसका अच्छा से इलाज करा लेंगे, और उसके बाद फिर आके ड्यूटी में अपना काम में लग गए। ट्रॉकिंग बिजनेस, इंजेक्टिव बिजनेस, इस सब में सल्फर है, हो सकता है और करता भी है। तो इस तरह से इसको हम लोग समझे हैं, तो और ज्यादा चूंकि उसको ट्रेकिंग नाइट क्यों है, एस्केप अटेम्प्ट टू नाइट इसलिए कि उसको चिंता रहता है बच्चा का, एंजाइटी चिल्ड्रेन अबाउट ही एंजाइटी अदर फॉर, यदि डे टाइम में अगर दिखाने गया तो उसका काम फिर गड़बड़ हो जाएगा, तो काम छोड़ना भी नहीं चाहता है और अपना इलाज भी कराना चाहता है। इसलिए ये रूब्रिक जो है एस्केप अटेम्प्ट टू नाइट और इन डिफरेंस एवरीथिंग्स टू, उसको बहुत दिन से परेशानी चल रहा है फिर भी इन डिफरेंस जो है उसको लगा है, उससे उसको कोई दो चार टेबलेट खा के काम चला लिया है। इन डिफरेंस लाइफ टू, अपने लाइफ के बारे में भी वो इन डिफरेंस में रहता है। नहीं तो ऐसा कौन सा बंदा होगा जो कि इतना दिन से परेशानी झेल रहा है फिर भी एक भी डॉक्टर से दिखाया अभी तक नहीं। तो उसमें इस तरह का रूब्रिक लिखा हुआ है, हम लोग के पास इस तरह का रूब्रिक है कि इन डिफरेंस लाइफ। तो मेरे ख्याल से समझ आया होगा कुछ ना कुछ, फिर देखते हैं अगली बार। थैंक यू।